राजगढ़ जेल में मुस्लिम युवकों की दाढ़ी काटे जाने को लेकर विधायक आरिफ मसूद ने भेंट कर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी को आवेदन देकर दोषियों पर कार्यवाही की मांग की। भोपाल राजगढ़ जेल में मुस्लिम युवकों की दाढ़ी काटे जाने के मामले को लेकर आज विधायक आरिफ मसूद के नेतृत्व में पीड़ितों गृह मंत्री माननीय नरोत्तम मिश्रा जी ने भेंट कर संपूर्ण घटना से अवगत कराते हुए कहा है कि यह एक दुखद घटना है। जेल प्रशासन द्वारा इस प्रकार की घटना को अंजाम देने से मुस्लिम समुदाय में काफी रोष है। विधायक आरिफ मसूद द्वारा गृह मंत्री जी से की गई चर्चा पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी ने ऐसे दोषियों पर शीघ्र ही कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। विधायक आरिफ मसूद ने कहा है कि दिनांक 13 सितंबर 2022 को थाना जीरापुर जिला राजगढ़ द्वारा कुछ मुस्लिम युवकों के विरुद्ध धारा 151 की कार्रवाई कर न्यायालय तहसीलदार जीरापुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जहां से युवकों को न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल राजगढ़ भी भेज दिया गया है, जबकि उक्त युवकों पर पूर्व से भी कोई आपराधिक प्रकरण पंजीकृत नहीं है। फिर भी युवकों को जेल भेजना कहां तक उचित है? यहां की जिला जेल राजगढ़ में जेलर NS राणा द्वारा जेल भेजे गए पांचों मुस्लिम युवकों कलीम खां पिता सलीम खां, तालिब खां पिता गुड्डू खां, आरिफ खां पिता गुड्डू खां, सलमान खां पिता इकबाल खां उर्फ भोला, वहीद खां पिता समद खां की जबरन दाढ़ी काट दी गई और उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया। जहां तक मेरे ज्ञान में है कि संविधान और कानून के व्यक्तियों में उनके धर्म अनुसार वेशभूषा बोली की आज़ादी देता हूं। उसी परंपरा में उपरोक्त व्यक्तियों ने धार्मिक दृष्टिकोण से अपनी दाढ़ी बढ़ाई थी, जिसे जेलर द्वारा कटवाना सरासर गलत है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी से अभी मेरी मुलाकात हुई। राजगढ़ के अंदर जीरापुर थाने की तरफ से एक कार्रवाई हुई 151 में कलीम सलीम जैसे सलमान पांच लोगों पर, उनकी बेचारों की दाढ़ी थी और उनकी दाढ़ी जेल में काट दी गई, जो एक बहुत दर्दनाक घटना है और मध्य प्रदेश के लिए एक बड़ा कलंक वाली है। मध्य प्रदेश में इस तरह का वातावरण नहीं था। मैंने डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी को ये बात से अवगत कराया। गृह मंत्री ने मुझे आश्वस्त किया है कि बहुत ही अति शीघ्र इस पर कार्रवाई होगी और भविष्य में मध्य प्रदेश में इस तरह की घटना दोबारा नहीं होगी। ये दोनों भरोसा उन्होंने दिलाया। आज पीड़ितों को मैंने उनके साथ मिलाया है। मुझे उम्मीद है कि गृह मंत्री की गंभीरता को देखते हुए मैं ये कह सकता हूँ कि दोषियों पर कार्रवाई शीघ्र होगी, ऐसी मुझे उम्मीद है। भोपाल से इदरीस मंसूरी की रिपोर्ट।